सबने और सब ठीक हो, आप सबका वेलकम है आपके अपने दबंग कुंभा व्लॉग में। एक नए व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, आपने जगह दिख रही हो कहीं और है। हमारे हैं सेमिनार में, RCM का सेमिनार है, यहाँ पे आ रहे हैं। देखो गांव में बहुत अच्छा है और आपने सारी अपडेट दिखाऊंगी एक एक, और बहुत अच्छे से सजा रखा है सारी चीज़ें, एक एक चीज़। ये एंट्री था, यहाँ से एंट्री हुई है और बहुत सुंदर लग रहा है। देखो बहुत सारे लीडर दिखाऊंगी आपने बड़े चढ़कर, बहुत सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। और सोमवीर भी मेरे साथ आया है मेरा भाई, यहाँ पे एंट्री करवाएंगे, एंट्री करवाने के बाद जाएंगे हम अंदर। पर कभी हमने सोचा है कि जो हमें करना है उसके बेसिस पे कोई एजुकेशन या कुछ है? तो वो मैंने सेमिनार्स में आके देखा कि यहाँ पे हम खुद को बिल्ड करते हैं, यहाँ पे हम खुद का एक एजुकेशन बनाते हैं, जो हम खुद का बनाते हैं। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, हम अपने थिंकिंग बदलते हैं, हम अपने ड्रीम्स बनाते हैं। और एक यही एक RCM बिजनेस है जहाँ पे हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यहाँ पे कोर्ट में जैसे एजुकेशन में स्कूल्स में हम बिना यूनिफॉर्म के नहीं जा सकते, बिना यूनिफॉर्म के हम अपनी अटेंड नहीं कर सकते, वो एक वाइब नहीं आती। तो वैसे ही सेमिनार्स में हमें एजुकेशन मिलती है, इनफैक्ट फ्री मिलती है। अगर स्कूल्स में जाओ तो कितने कितने थाउजेंड की तो फीस होती है, हम वो दे के स्कूल में जाते हैं और ध्यान नहीं दिया जाता। बट बिजनेस में एक मेंटोर मिलता है, वो तुम्हें गाइड करता है कि तुम कैसे दूसरे इंसान की हेल्प कर सकते हो, कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकते हो और कैसे एक लॉयल्टी जैसे लेवल पे जा सकते हो। तो मेरे पापा ने मेरे को हमेशा काम पे जाते हैं, हर दिन सबका सेम होता है, पर एक संडे ही है जिसको हम अपना खुद का एक अलग जरिया बना सकते हैं। पापा ने मेरे को सेमिनार्स बताया, मैं सेमिनार्स में आई, मैंने अपना टाइम यहाँ पे दिया और मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगता है, एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो इससे एक ड्रीम आता है कि तुम इतना पैसे दे के कोर्सेज करते हो फिर भी तुम्हें जॉब नहीं मिलती, फिर भी तुम्हें एक हाई लेवल रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आजकल के बच्चों को क्या चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको सैलरी ज़्यादा मिले, उसके फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो और उसका एक नाम हो। आजकल जॉब तो बची नहीं है, तो एक RCM एक ऐसा मेथड, एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं अपने और अपने फैमिली के, और अपने पापा को प्राउड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे हम अपने पापा या अपने फैमिली के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये वन एंड ओनली बिजनेस है जहाँ पे मैं अपने फादर के साथ बिजनेस कर सकती हूँ, इसको बिल्ड कर सकती हूँ और उनको प्राउड फील करा सकती हूँ कि येस आई कैन डू एनीथिंग। और एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लान विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश। हम प्लान नहीं बनाते, हम सिर्फ विश करते हैं घर बैठे कि हम ये पढ़ाई कर लेंगे तो ये बन जाएंगे। हमें पढ़ाई के लिए भी एक डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, हमें एक विश्वास चाहिए होता है, ट्रस्ट। अगर आप स्कूल में भी ट्रस्ट नहीं दिखाओगे तो आप अपने पेपर में अच्छा नहीं दे सकते। तो वैसे ही अगर आप अपनी अप्लाइंग में और अपने सिस्टम में ट्रस्ट नहीं दिखाओगे तो आपको कोई भी अच्छे लेवल पे नहीं लेके जा सकता। तो बस एक ट्रस्ट और एक प्लान, जो आज कदम सिंह सर जी आएंगे उनके थ्रू आप प्लान बनाना और गोल को सेट करना और उस विश को अचीव कर लेना। थैंक यू। RCM बिजनेस के अंदर वो सभी लोग, वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार कहीं ना कहीं RCM का प्रोग्राम अटेंड किया। और आप बहुत लकी हैं सर कि आज जो आप ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, जिन व्यक्तियों का आ रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान को ट्रेनिंग देते हैं और बहुत बड़े लीडर हैं और जयपुर से चलकर हमारे बीच में आ रहे हैं कदम सिंह राठी जी। तो मैं चाहूंगा हम सभी लोग उनका स्वागत करेंगे और पूरी तरीके से उनको ध्यान से सुनेंगे। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहली चीज तो आप आ गए हैं इस हॉल के अंदर, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि आप
पूरी तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर रहे। आपके पास एक मोबाइल है तो उसको थोड़ा सा साइलेंट रखें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके साथ में हो सकती है, किसी का फोन आ जाए, और आप आराम से अपनी सीट पर बैठे और पूरा प्रोग्राम एंड तक देखकर जाए। तो एंड तक प्रोग्राम देख सकते हैं सर। तो सर मेरा वादा है कि अगले बार आपकी जगह स्टेज पर होगी सर, और मैं इन साथियों का वेलकम करना चाहता हूँ सर। आप लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में प्लीज वेलकम सर, अभी से थैंक यू सर। जबरदस्त तालियां इन साथियों के। नजाकत है और हमें बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर आए हुए हैं, हमें उनको सुनना है। और ये लीडर की कैटेगरी में आते हैं सर, तो ये सभी लोग समझदार हैं और सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। तो मैं आज किसी को माइक नहीं दे सकता, और ये सारे साथी आपकी टीम के हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा, इन साथियों का फोटो सेशन हो गया है और ये आगे नेक्स्ट लेवल पर आएंगे सर। इन साथियों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहेंगे सर, और अपनी जगह वेलकम, अपनी जगह थैंक यू सर, जबरदस्त तालियां साथियों के लिए सर। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए सर, तालियां जबरदस्त है, उसके बावजूद भी इस बिजनेस को करते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जिसके कारण लोग अपनी सरकारी जॉब गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ देते हैं? ऐसी क्या चीज है इस बिजनेस के अंदर जो अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी लोग इस बिजनेस को करते हैं? ऐसी क्या चीज है सर जो लोग एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग एक एक व्यक्ति को आरसीएम का प्लान देने के लिए गांव गांव जाकर लोगों को प्लान देते हैं, और धूप में भी, धूप में, सर्दी में, बरसात में, हर तरह का मौसम वो सहन करते हैं। तो ऐसे दुख दर्द क्यों सहन करते हैं लोग? ऐसी क्या चीज मिलती है इस बिजनेस के अंदर जो पैसे वाले भी लोग इस बिजनेस को करते हैं? आज आपको सर वो कारण मिल जाएगा कि इस बिजनेस को क्यों करने हैं। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि आप लगातार इस हॉल में रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हॉल में तो आ जाते हैं मगर उनकी बॉडी इस हॉल के अंदर आती है और उनका दिमाग पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। सर आपको अगर कामयाबी चाहिए, अगर आप वाकई में कुछ पाना चाहते हैं, तो सर आपके पास कहते हैं ना, कामयाबी के लिए एक ठोस रीजन होना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान के पास इस बिजनेस को करने का ठोस रीजन होगा, वो कभी भी दुखी नहीं होगा कि उसके टीम में लोग उसकी बात नहीं मानते, वो कभी भी दुखी नहीं होगा कि उसके साथ लोग नहीं जुड़ते, वो कभी भी दुखी नहीं होगा कि उसका बिजनेस डाउन हो रहा है, कि उसका बिजनेस अप हो रहा है। वो केवल एक ही बात जानता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, मगर मुझे कामयाब क्यों होना है वो अच्छी तरीके से इस चीज को जानता है। और वो क्यों जानता है? क्योंकि यही वो कारण, जिस चीज के लिए हम बिजनेस करेंगे, वो कारण आज हम लोगों के बीच में, आज हमारे जो सीनियर आएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति स्टेज पर आएगा और वो कोई ऐसी बात कहेगा कि जो आपको इस बिजनेस को करने का कारण आपको मिल जाएगा। तो आज परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और इतने सारे वाइटल अचीवर जो अभी आपने देखे कि वो पैसा उनके घर में आता है, और वो पैसा किस माध्यम से आता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से वो पैसा आता है, और उसको हमारे सिस्टम में कहते हैं मार्केटिंग प्लान। कितने लोगों ने आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा है सर? वेरी गुड, नए लोगों ने भी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा है, मगर हम चाहेंगे सर कि वही मार्केटिंग प्लान है, इस मार्केटिंग प्लान को देखकर लोग 5,000 रुपए भी कमाते हैं, इसी मार्केटिंग प्लान को देखकर लोग 1,00,000 रुपए भी कमाते हैं, और इसी मार्केटिंग प्लान को देखकर इस बिजनेस के माध्यम से लोग 25-25 लाख और 50-50 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं। क्या ऐसे मार्केटिंग प्लान को देखना चाहेंगे सर? कितने लोग देखना चाहेंगे सर? तालियों से पता होना चाहिए सर, जबरदस्त तालियां सर। कैसे दी गई, और उसमें सर ने जो बात कही पहली लाइन कि आरसीएम करने के
ज्यादा फायदे हैं और उसमें पैसा सबसे लास्ट नंबर है। सुना जी? Yes. मैंने सोचा ये तो कमाल की बात है, वो 999 फायदे पता करने के लिए मैं ऐसी मीटिंग में आ गया। जब पहली बार आया तो सीट नहीं मिली और मैं ढूंढ रहा था कि 999 फायदे क्या है, और बाद में पता चला कि जैसे जैसे उस लाइन बन जाओगे वो फायदे आपके पास ऐड होते चले जाएंगे। पहली बार मुझे 133 रुपए का चेक आया, मुझे लगा 133 लाइन बन गया, और इसके बाद धीरे धीरे मेरे पास वाइटल का लेवल आया। इसके बाद मैं स्टार तो नहीं बना, पर आज मेरे सौभाग्य है उन स्टारों को बुलाने का। मिलना चाहता है क्या? Yes. एक व्यक्ति सपना देखता है कि मुझे रॉयल्टी चोर बनना है, और वो सपना एक पहली पायदान जो कड़ी रहती है, जो मेन बेस रहता है, उन्होंने कोई मीटिंग छोड़ना, उनके पास भी मौत आता है, उनके बारे उनके उनके कहा उनके पास भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मेरे मामा आ गए, मामा कि मीटिंग में जाऊं या मामा के साथ बैठूं। जब मीटिंग का टाइम आया उसी समय उनका कोई रिश्तेदार आ गया, किसी दोस्त का फोन आ गया। अब उनके पास एक ही मौका था कि उस दोस्त की बात को मान लो या फिर मीटिंग में आ जाओ। उनकी अपलाइन होने जिस मैसेज को सुनने के लिए बोला, जिस मीटिंग के लिए किया कि वहां जाना है, वो पहुंचे। मिलना चाहता है साथियों से जिनका टोटल बिजनेस 3.5 लाख हो जाता है और उनकी एक अच्छी इनकम हो जाती है और वो स्टार में रहते हैं। हमारे बीच में है जी? Yes. एक बार स्टार अचीवर प्लीज कम ऑन द स्टेज, आपकी जोरदार ताली के बीच में जितने भी स्टार साथी है प्लीज आ जाए। उनका मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट नूह से, और मेरा जो अपना जो टोटल इनकम आई है 2,390,000 का है। मेरा पहले जो काम था वो गाड़ियों का पेंटिंग का काम था। गाड़ी की पेंटिंग और पेंटर? नाम संजय कुमार, रहने वाला झारखंड से हूँ। गुड़गांव में 18-19 साल हो गया, और खुद का काम है ग्लास एंड एल्यूमिनियम का, उसके साथ साथ मैं आज से सीख रहा हूँ। और टोटल इनकम तो मैं आज तक नहीं इंक्लूड नहीं किया हूँ, और राष्ट्रीय स्टेट है 18,992 रुपये। थैंक यू वेरी मच। एक बार दोनों साथियों के लिए बहुत आता है ना, कैसे लगा जी? तालियों से बता सकते हैं क्या? जब आप उससे इतना प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। और मैं, मेरा सपना था जब मैं ज्वाइन हुआ, जब मैं स्टेज पे देखता था उन लोगों को तो मुझे लगता था मैं भी एक दिन रॉयल्टी चोर बनूंगा। और कमाल की बात, मैं आज सौभाग्यशाली हूँ उन साथियों से मिलवाना चाहता हूँ। तैयार है क्या आप लोग? देखिए, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी कड़ी है जहाँ से ऊपर वाले को भी सपोर्ट मिलता है और नीचे वाले को। सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति फील्ड में काम करता है तो वो वही व्यक्ति है जिसको आप बुलाने जा रहे हो। जो सबसे ज्यादा टीम की मदद करता है वो वही व्यक्ति है जिसको बुलाने जा रहा हूँ। जो आपको रॉयल्टी तक पहुंचा सकता है वही व्यक्ति है। मिलना चाहता है क्या? जिन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक आरसीएम ही करूंगा, जब तक जीऊंगा सिर्फ आरसीएम का सामान खाऊंगा। मिलना चाहता है? जिन्होंने कोई मीटिंग छोड़ना उनके लिए मर जाने के बराबर है। मिलना चाहता है? तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में आई इनवाइट ऑल वर्ल्ड टू प्लीज कम ऑन द स्टेज म्यूजिक के साथ। माइक के साथ भी करवाते हैं इनका एक मिनट के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने हिम्मत करी कि बिना माइक के तो एक बार इनका डांस सीखना चाहिए। सर रेडी है, कोई म्यूजिक लगा दो बढ़िया जिसमें से जोश आ जाए इन सबका। यस, एक बार आर यू रेडी? यस। आप भी तैयार हो क्या? ओके सर। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए संजय शर्मा फरीदाबाद से, एज ए कॉमर्स लेक्चर 20 साल काम किया, अभी फुल टाइम आरसीएम। नाम प्रेमपाल फ्रॉम पलवल, पेशे से डॉक्टरी करता हूँ। नाम रविचंद सैनी, अम्बाला से बिलोंग करता हूँ और प्राइवेट जॉब के साथ साथ इतिहास के कंसेप्ट को सीख रहा हूँ। नाम राजकुमार और मैं जींद से बिलोंग करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में और इतिहास के कंसेप्ट को सीख रहा हूँ। नाम अर्जुन सिंह, डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी से,
और प्राइवेट जॉब के साथ साथ जो सेक्टर मिला है उसी साथ जो कर रहा हूँ। नाम परमिंदर और गांव रिटोली पीछे पर गरे से लड़ता हूँ। अरविंद पाचाल यमुनानगर से हूँ, बुटन फ्लोरिंग वॉल पेपर के साथ इस काम को करता हूँ। नाम मुकेश कुमार, राजस्थान चूरू राज्य से बिलोंग करता हूँ। बाइक प्रोफेशन अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट का काम और गुरुदेव कदम जी के सानिध्य में बिजनेस सीख रहा हूँ। थैंक यू। नाम पंकज, गुड़गांव हरियाणा से, आरसीएम से पहले बीकॉम का स्टूडेंट, अभी आरसीएम का स्टूडेंट फुल टाइम आरसीएम। नाम अमर सिंह, कानपुर यूपी से, प्राइवेट जॉब के साथ आरसीएम। थैंक यू। नाम मुकेश कुमार, फरीदाबाद से, और किराने का और मोबाइल का काम था और आज गुरु जी का प्रोग्राम देखने गुड़गांव आया हूँ फरीदाबाद से। नाम करण सिंह, कावड़ू से, बाइक मैकेनिक ऑटो पार्ट्स का काम है और आरसीएम के साथ जी रहा हूँ। नाम देवकी नंदन शर्मा, पिछले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टप्पल अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। नाम सुरेंद्र कुमार, फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और टीचिंग प्रोफेसर इसके साथ साथ इस बिजनेस को करता हूँ। नाम राकेश शर्मा, झज्जर हरियाणा से, और स्टूडेंट के और आरसीएम बिजनेस को भी सीख रहा हूँ। धन्यवाद। नाम दिनेश शर्मा, ऑटो बनाने वाला मिस्त्री का काम करते हुए आरसीएम, आज है रॉयल्टी एक्शन। नाम अंशु यादव, एक हाउस वाइफ और इस सिस्टम को पिछले 3 साल से सीख रही हूँ और सीखते सीखते बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहती हूँ कि इस ऐसी मीटिंगों में आते रहिए और रॉयल्टी जैसी इनकम आप सभी के घर में एक ना एक दिन जरूर आएगी। जय आरसीएम। थैंक यू। और ये जब तक सभी साथी अपने सीट में लेंगे, आपकी तालियां बजनी चाहिए जी। और एक बार मंदिर चले गए सर, अपनी अपनी सीट। तैयार है क्या आप लोग? तो आज मैं, क्योंकि टाइम हम सभी लोग सर को सुन रहे हैं, तैयार है आप लोग? तो जिस शख्सियत ने हमारे जैसे लोगों को तैयार किया और तैयार करके आज उनकी बदौलत आज उनके पास बहुत बड़ा लेवल है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उन्हें मौका मिल रहा है बुलाने का। तो आप लोग चाहे तो खड़े होकर उनका वेलकम कर सकते हैं। मैं बुलाने जा रहा हूँ टाइगर टीम के नेशनल हीरो मिस्टर आशीष जी के लिए। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम आप कितने एक्साइटेड है, लेकिन मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे बीच आई हुई है, कोई उन्हें एक्साइटमेंट का इंजीनियर कहता है, कोई उन्हें टेक्नोलॉजी का मास्टर कहता है, कोई उन्हें स्पीड मास्टर कहता है। क्या मिलना चाहते हैं आप उनसे? दोस्तों, हम बहुत जल्द सर से रूबरू होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहता हूं आपसे। 5-6 साल पहले बिहार में सर से पहली बार मुझे सर को सुनने का मौका मिला। सर को सुनने के बाद, सर की एजुकेशन लेने के बाद, सर का एक्साइटमेंट देखने के बाद एक ड्रीम बनाया कि एक बड़ा काम करेंगे इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, 22-23 साल पहले भीलवाड़ा जैसे छोटे से कस्बे से शुरू हुआ ये आरसीएम बिजनेस को आज अगर हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने का अगर श्रेय किसी शख्सियत को जाता है तो वो शख्सियत आज हमारे बीच बैठी हुई है। एक बार तालियां चाहूंगा सर के लिए। मैं बेकार का काम, बेकार के लोगों द्वारा किया जाने वाला काम, ये धारणा माना जाने वाला ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम को अगर आज एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट दिलाई है तो उस पर बहुत बड़ा श्रेय गुरुदेव का है। एक बार दो-चार तालियां गुरुदेव के लिए। दोस्तों, गुरुदेव ने जब पढ़ाई करी तो स्टूडेंट नंबर 1 रहे, गुरुदेव ने जब जॉब करी तो एम्प्लॉय नंबर 1 रहे, और गुरुदेव ने जब अपना कारोबार शुरू किया तो बिजनेसमैन नंबर 1 रहे, और आरसीएम बिजनेस में भी उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े और आरसीएम बिजनेस में भी वो लीडर नंबर 1 है। एक बार मिलना चाहते हैं ऐसे लीडर से। दोस्तों, उनकी मीटिंग्स, उनकी सीरीज सुन के मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों ने ड्रीम देखना, सपने देखना शुरू किया, और उनके एक बहुत फेमस सीडी रोड मैप जिसको सुन सुन कर हजारों लाखों लोगों ने अपनी सफलता का रोड मैप बना लिया है। क्या आप ऐसी शख्सियत से मिलना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज वो गुरुओं के शहर गुड़गांव में सर है, तो एक बार गुड़गांव वाला वेलकम दिखा सकते हैं कि गुड़गांव वाले लोग हर कदम पे आपका दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मेरा विश्वास है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। दोस्तों, अभी तक हमें राजेश जी ने रॉयल्टी अचीवर से मिलाया। रॉयल्टी वो मुकाम, वो सपना, जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है,
तो पहला ड्रीम उसका बनता है कि मुझे रॉयल की अचीवर बनना है। एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचने के बाद आप काम करें तो पैसा आए, काम कम करें तो पैसा आए, काम ना करें तो पैसा आए, और खुदा ना खास्ता इस दुनिया से चले जाए तो भी आपकी पीढ़ियों को पैसा आता रहे। ऐसे अचीवर से आप मिले, एक बार जोड़ो तालियां होनी चाहिए अचीवर के लिए। इससे आगे की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उन ब्रांड से जिन्होंने इन अचीवर्स को तैयार किया, उन लीडर से, उन गुरुओं से। बिजनेस की भाषा में बात करें तो लेवल होता है उनका पर स्टार पर। टर्नओवर की भाषा में बात करें तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए महीने तक उनका टर्नओवर जाना शुरू हो जाता है। और इनकम की बात करें तो 50,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए महीना उनके घर में आने शुरू हो जाती है। क्या ऐसे अचीवर से मिलना चाहते हैं? तो आप लोगों की जोरदार तालियां और एक्साइटमेंट के बीच में बुला रहा हूँ ऑल यू पर्ल एंड स्टार अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के बीच